बैठ गई और कान लगी पिया कबो इतने गुस्सा होता वो गुस्सा थूक दे लेके अंदर गई महलों में तो देखो बहनों कृपा कुछ ऐसी सुखी थे कि दूसरी रात जब छोटी रानी के महलों में रुके तो दूसरी रानी ने भी गर्भा धारण कर लिया। लेकिन अब दोनों के गर्भ हैं, अंतर इतना के एक के लिए 36 प्रकार के भोजन तो एक के लिए रूखी रोटी, एक के लिए मखमल का गद्दा तो एक के लिए टूटी चारपाई, एक के लिए सेवा में दास दासियां लगी हैं और एक बेचारी अकेली रो रही है। लेकिन कृपा भगवान की एक एक दिन के अंतर से दोनों के पुत्र होते हैं। 9 महीना पूरे हुए तो सुनीति की कुच्छा से एक बालक का जन्म हुआ। सुकाऊ ने मालूम पड़ी गांव में कोई उंटो तो डर भी नहीं गए, काऊ ने मालूम पड़ी। और दूसरे दिन छोटी रानी के बेटा पैदा हो गया तो पूरे नंगर में डेडोरा पिट गया के महारान की महाराज उत्तान पाद की छोटी रानी के बेटा पैदा हुआ है। क्या बात है बेटा? भाइयों, छोटी रानी का जो पुत्र हुआ था, राजा ने नंगर में सूचना भिजवा दी कि मंगला चढ़ होने दो, तो छोटी रानी के पुत्र की खुशी में मंगला चरण और मैया सुनीति झोपड़ी में बच्चे को छाती से लगा करके रो रो रो। ब्राह्मण विद्वान आए हैं, दोनों बच्चों के नामकरण संस्कार जब हो रहे हैं तो जो छोटी रानी का पुत्र था उसका नाम रखा जाता है उत्तम, बड़ा सुंदर नाम। और बड़ी रानी का जो पुत्र था उसका नाम रखा गया ध्रुव। ये दोनों बालक जब घर में पैदा होते हैं तो एक के लिए सिंघनियों का दूध आता है तो एक मैया की सूखी हड्डियों को चूसता है, क्योंकि माया के तीन नाम होते हैं। माया के तीन नाम पसी पसा पसरा,